हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। साथ में हम सीखेंगे एंगल्स, हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो यहाँ कन्वेक्स पॉलीगन्स की है, इसको हम बोलते हैं उत्तल भुज बोलते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव पॉलीगन्स है, ये कहलाता है उत्तल भुज कहलाता है। तो कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन्स जो पहले पॉलीगन्स होते हैं जहाँ पे जो इनके इंटीरियर एंगल होते हैं इनकी वैल्यू जो होती है लेस देन क्या होती है 180 होती है, मतलब कि 180 से कम होती है। अगर 180 से कम होगी इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन्स बोलेंगे। ओके, तो हम चेक करते हैं कि 180 डिग्री से कम कैसे होगी। तो पहले तो हमें जानते हैं 180 डिग्री एंगल होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो जब कोई स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, किसी भी एंगल में दो आर्म्स होती हैं। ओके, तो यहाँ से तो अब जो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो उस एंगल को हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे 180 डिग्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री एंगल है। अच्छा, क्या करेंगे आप, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को क्या करें ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन एक्चुअल क्या होती है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, बट यहाँ पर जो एंगल है इसका ट्रायंगल का वो क्या है, ये एंगल है जो कि क्या है 180 डिग्री से क्या है कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पार्ट तो इसका छूट ही गया और ये वाला पार्ट छूट गया, तो 180 डिग्री से कम एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक सेम केस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे कि ये आपका यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, बट यहाँ पे ट्रायंगल की बात होती तो ट्रायंगल में एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक का है क्योंकि पूरा 180 डिग्री नहीं है, मतलब 180 डिग्री से क्या है कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है कन्वेक्स पॉलीगन्स है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी शेप में लाइन को ड्रॉ करके हम ये देख सकते हैं कि वो जो है कन्वेक्स पॉलीगन्स है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम स्क्वायर में ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है तो ये आपका जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा 180 डिग्री होगा, बट इस स्क्वायर में आपका एंगल क्या है यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक एंगल है तो ये जो है 180 डिग्री से क्या है कम है, 180 डिग्री से कम है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका कन्वेक्स पॉलीगन्स कहलाएगा। तो इसके चारों एंगल्स को हम ऐसे देख लेंगे, इसके चारों एंगल्स क्या होंगे जो है 180 डिग्री से कम के होंगे। ऐसे हम किसी में भी जो है किसी फिगर में हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमारा एंगल जो है 180 डिग्री से कम होगा या फिर नहीं होगा। ओके, कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं, जहां पे किसी भी शेप के किसी पॉलीगन्स के एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे जो है पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स की। तो कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो जहां पर इंटीरियर एंगल एक भी इंटीरियर एंगल अगर आपका 180 डिग्री से क्या होगा ज्यादा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। तो याद रखना है कि जितने भी जो फिगर बनेंगी जितने भी पॉलीगन्स होंगे उन पॉलीगन्स में अगर एक भी एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं कि 180 डिग्री से ज्यादा कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, अगर मैं हर एक एंगल में दो आर्म्स होती हैं, अगर इसमें मैं इस आर्म को जो है थोड़ा सा रोटेट कर दूं नीचे साइड में तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको रोटेट कर दूं तो ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री एंगल आपको यहां से यहां तक ये बनना था 180 डिग्री। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या जुड़ गया, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि आर्म जो है यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे रोटेट होकर यहाँ पे आ गई है, तो ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो आपका क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो सेम केस हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना देखना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ 180 डिग्री के लिए तो ये लाइन होगी। ओके, तो ये आपका 180 डिग्री एंगल है, लेकिन इसमें जो है ये एंगल एक्स्ट्रा और जुड़ गया है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री से क्या हो गया ज्यादा हो गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये पॉलीगन सर्कल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। सेम केस को हम यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी और ठीक है, और उसमें आपका ये एंगल अलग से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि हम मान के चल सकते हैं कि जो आपका जो ये है ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, देखने के लिए 180 डिग्री से ज्यादा का है या नहीं है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं अगर
यहाँ पे तो एक्सोसिटी होता है, ये रोटेट होने के बाद आपका ये वाली आर्म जो है यहाँ पहुंच गई है, तो एक्सोसिटी यहाँ तक था तो ये एक्स्ट्रा बन रहा है, और ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पहुंच गई है तो ये एक्सट्रैंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एक्सोसिटी डिग्री से आपका जो है ज्यादा हो गया है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, ये भी कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो वो सारे पॉलीगन जिनकी जो है जिनका एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा का होता है उसको हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। तो वही केस आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, वही केस आपका यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ओके अच्छा, अब हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो है उसमें क्या होते हैं, तीन एंगल्स दिए होते हैं, तो हम देखते हैं। ओके, चेक करते हैं, ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो किसी भी ट्रायंगल में इनके तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम कितना, 180 डिग्री है। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ अब इसका सम क्या, 180 डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यह हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसका नाम दिया है ए बी सी डी। अब हमें जानना है इसकी इसके बारे में कि इसके चारों एंगल का जो टोटल होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो है क्वाड्रिलेटरल को हम जो है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक डायगोनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बी डी, और ये आपका क्या हो गया, दो ट्रायंगल्स बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर हम चाहते तो ए सी बी डायगोनल बना सकते थे, और उससे भी जो है क्या होता है, वो दो ट्रायंगल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस ट्रायंगल बी सी डी बराबर। अब यहाँ पे मैं एंगल का नाम देता हूँ, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, दिस इज एंगल फोर, नाउ एंगल फाइव, नाउ एंगल सिक्स। तो यहाँ पे मैं सारे एंगल का क्या दिए, नाम दे दिए। ओके, अब क्या करेंगे, हमको अच्छे से बताया कि ए बी डी प्लस में बी सी डी, मतलब कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बी सी डी इनका भी कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना, 360 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो बन रहा है वो बन रहा है कोऑर्डिनेटर, इसको बोलते हैं ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है। तो ए बी सी डी का टोटल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यहाँ पता चला कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो भी दिए होंगे एंगल, उन सबका टोटल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखते हैं, प्रूव करते हैं कैसे 360 डिग्री होगा। ओके, अब एंगल ए बी डी बात हो रही है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी में तीन एंगल है, एंगल वन एंगल टू एंगल सिक्स। तो लिखेंगे एंगल वन, एंगल टू, एंगल सिक्स। ऐसे बी सी डी में तीन एंगल है, एंगल तीन, एंगल चार, एंगल पांच। तो एंगल थ्री, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, ठीक है, यहाँ तीन एंगल दिए हुए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एंगल वन तो आपका एंगल ए है तो ये ऐसे ही रहेगा, एंगल दो और तीन को हम क्या करेंगे, साथ रख देंगे। एंगल दो और एंगल तीन हमने एक साथ रख दिया, क्योंकि ये एंगल क्या बना रहा है, बी बना रहा है। उसके बाद एंगल फोर दिया हुआ है, एंगल फोर आपका एंगल क्या है, एंगल सी है, ठीक है। उसके बाद है एंगल फाइव और एंगल सिक्स, एंगल फाइव और एंगल सिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल जो है डी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल फाइव और सिक्स को एक साथ रख दिया। अब जो है हमें पता है अच्छे से कि अगर ए बी डी की बात की तो इसके इसका जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है, और इसका और बी सी डी की बात की इसका भी टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल वैल्यू कितनी आ रही है, 360 डिग्री आ रही है। अब हमें यह प्रूव करना है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है ये 360 डिग्री होता है नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब एंगल वन हमने लिया, ठीक है, एंगल वन जो था वो क्या था, एंगल ए था, तो इसको हम एंगल ए लिख देंगे। एंगल टू प्लस में एंगल थ्री, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल बी बना रहे हैं, तो लिखा जाएगा एंगल बी। फिर एंगल फोर दिया हुआ है, एंगल फोर क्या है, सी है,
राइट एंगल एंगल सी, एंगल फाइव और सिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल डी बना रहे हैं, राइट एंगल डी। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का टोटल जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो है उसके उसके चारों एंगल का टोटल जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके,